तो हेलो दोस्तों, इसका क्लच खोला जाएगा। देखिए मैं चला रहा हूँ, अभी इसको बैक करके लगाऊंगा तभी यहाँ पे क्लच खुलेगा। इसकी मेन सील लीकेज होने के कारण इसका क्लच खोलना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों अब इसका क्लच खोला जाएगा, इसकी मेन सील लीकेज हुई है। ये ट्रैक्टर मालिक है, तेल फेंक रहा है। मन नहीं शुद्ध रहा, जब यह कमी रहा था ट्रैक्टर में। और क्या दिक्कत है इसमें? अरे दिक्कत है कुछ नहीं है, आज अगर हीरो बना के घूम जाए। हाँ हीरो बना के। हाँ हीरो। चलिए ठीक, अभी ले लियो और एक घंटा बाद फिर गया भाई। ठीक है दोस्तों, अब इसके ताली लगाया जा रहा है जिससे हम आधा करेंगे। ये देखिए, चलो ये देखिए दोस्तों, ताली लग चुकी है। बस इसमें गुटका डालो अब दोस्तों। अब इसका ये देखिए स्टीयरिंग खोला जा रहा है आधा करने के लिए। दोस्तों इसका गुटका लग चुका है, अब इसको खोलने जा रहे हैं इसका क्लच। दोस्तों इसका जॉइंट अब खोला जा रहा है। दोस्तों तो इसका जॉइंट खुल चुका है, देखिए इधर की पोजीशन देख रहे हैं हम लोग। थकाई लग जाते सारे दिन का बच्चा है। इसका पाइप खोला जा रहा है, तो दोस्तों इसका जॉइंट खोला जा चुका है, अब इसको आधा करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए एक ही बोल्ट बचा था, इधर स्टीयरिंग का भी खुला। ये है न्यू हॉलैंड 3037 गाड़ी है, 19 मॉडल गाड़ी है। मेन सील लीकेज होने के कारण इसका क्लच खोला जा रहा है, और क्लच प्लेट में कोई दिक्कत नहीं है, अभी खोलेंगे तो बताएंगे। दोस्तों ये देखिए, ये अलग होने के लिए तैयार हो चुका है। मैं इसका क्लच दबाऊंगा तो ये फट जाएगा, पूरी तरह से फैल जाएगा। दोस्तों अब इसका क्लच दबाने में जा रहा हूँ। ये देखिए ये पूरी तरह से इसका क्लच खोल चुका है, अब इसको आधा करेंगे। चलो इसकी तार नहीं खुली थी, अब खोल दिया गया है। चलिए चलो खेल दो, चलो चलो। और चलो एक मिनट, ये स्टीयरिंग अड़ रही थी इसलिए जग उठाया जा रहा है, ताकि ऊपर ये नीचे धह जाए। बहुत ही आसान तरीका है क्लच खोलने का, ये देख सकते हैं कितने टाइम पे हम लोग क्लच खोल दिए हैं। चलिए चलो चलो, देखिए इसकी हालत कैसी है। मीटर लग चुका है दोस्तों, ये देखिए इसकी हालत कैसी है।
तेल जाने के कारण से इसकी क्लच प्लेट भी घिस गई है। ये देखिए, तो इसकी क्लच प्लेट खोला जाएगा। 13 नंबर इसमें लगता है। 13 नंबर गुट्टी लाओ भैया, दोस्तों। अब इसका क्लच खोला जा रहा है। क्लच प्लेट देखिए दोस्तों, इसमें कितना कचरा है। तेल आने की वजह से बोलो, इसी कारण ये क्लच प्लेट पूरी स्लिप हो गई है और जल भी गई है। ये देखिए, इसकी प्रेशर प्लेट में भी कितना कचरा आ गया, घर दिखा चुके थे। ये देखिए दोस्तों, कितने ज़्यादा इसमें मतलब ऑयल आने की वजह से पूरी तरह से स्लिप कर चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसमें ऑयल आ चुका है। हम लोग नीचे जो 10 नंबर बोल्ट रहता है उसको निकाल ना देते तो पूरी तरह से ये ट्रैक्टर आ नहीं सकता था, मतलब इतना स्लिप हो गया था क्लच प्लेट। देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसका पूरी अब मेन सील की वजह से अब इसकी फ्राई व्हील खोली जाएगी। ये देखिए, इसमें 18 नंबर बोल्ट लगा हुआ है, अब इसको हमने खोलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मैं लॉक तोड़ रहा हूँ। तेज 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 बोलो, हमारे तो दोस्तों इसका लॉक तोड़ रहा हूँ मैं। लॉक इसका तोड़ने के बाद 18 नंबर गुट्टी से इसको खोलूँगा। ये देखिए, बंद करो दोस्तों। फ्राई भी ना नाचने का सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि नाचे नहीं। ये देखिए, 18 नंबर गुट्टी में लगा चुका हूँ, तब भी नाच रही है। चलो तो दोस्तों, इसका 18 नंबर फ्राई व्हील का बोल्ट रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका बोल्ट खोल लिया गया है। अब सब हाथ का ही दिखाओ, हाथ का दोस्तों। ये कैमरा मैन बहुत बढ़िया किस्म का आदमी है। तो इसकी फ्राई व्हील खोल चुका हूँ मैं। ये देखिए, दोस्तों इसकी पूरी तरह से वो फ्राई व्हील उतारने का सिस्टम बना लिया गया है। ये देखिए, बोल्ट पूरा खोल लिया है मैंने। ये देखिए, सारा बोल्ट खोल चुका है। अब इसको निकालने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी फ्राई व्हील बहुत हल्की रहती है, इसलिए मैं इसको अकेले ही उठा लूँगा। ये देखिए, ये देखिए, पूरी तरह से ये लीकेज है, ये लगी हुई है मेन सील। ये देखिए, ये बीच से आ रही है। ये देखिए, अभी इसकी
मेन सील डाली जाएगी। इसकी मेन सील वाली प्लेट खोली जा रही है, ये देखिए 10 नंबर इसमें लगता है। हम लोग सब देसी जुगाड़ करके बनाए हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये एलकी है, इसको 10 नंबर बनाए हुए हैं हम लोग। तो इसका सारा बोल्ट खोल लिया गया है, ये 10 नंबर, ये एलकी माध्यम से हम लोग, ये देखिए ऐसा सिस्टम बनाए हुए हैं। तो अब इसकी ये प्लेट निकाली जाएगी, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसकी ये प्लेट निकल चुकी है, देखिए यहाँ से तेल जा रहा था, ये इसकी मेन सील लगी हुई है, अब इसको निकाला जाएगा। दोस्तों इसकी मेन सील निकाली जा रही है, ये देखिए, ये इसमें बहुत खतरनाक वाली मेन सील लगी हुई है। पैकिंग इसकी अच्छी है, पैकिंग नहीं बदला जाएगा, ये सील के कारण ऐसी समस्या आई है। जितने भी सैमसंग इंजन होते हैं उनमें ऐसा सिस्टम बना रहता है, मेन सील लीकेज होगी तब भी यहाँ से आएगा, यहाँ से तेल 20 से गिरेगा, और अगर चैम्बर सीट भी लीकेज होगी ना तब भी यहाँ से आएगा। दोस्तों आप ऐसी अगर समस्या आपके ठीक ट्रैक्टर में आ रही है, पहले मेन सील को बदला लेना, उससे बाद नहीं रुका तो चैम्बर सीट को बदला देना, तो ट्रैक्टर आपकी जो लीकेज कर रहा है वो एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसकी मेन सील लाने के लिए जा रहे हैं हम लोग, ये देखिए मेन सील इसकी आ चुकी है, ये देखिए बैठा रहे हैं। पुराने मॉडल न्यूलाइन का इसमें लगाएंगे हम लोग, अच्छे से बैठा के उसके बाद इसको बांधा जाएगा। दोस्तों रेसी बोंड लगने जा रहा है दोस्तों, दोस्तों इसकी मेन सील बैठाई जा रही है, ये देखिए पूरी अच्छी तरह से बैठ चुकी है, नचा लेने हैं। ये नीचे का इस पूरी चली गई, देखिए दोस्तों इसकी मेन सील पूरी तरह से अच्छे से बैठ चुकी है। अभी इसमें पुराने मॉडल न्यूलैंड की के वो लगाए हैं मेन सील। दोस्तों इसकी जैसे प्लेट खोले तो वैसे ही बांधना है, अभी इसका चैम्बर सीट भी बदलेंगे ताकि दोबारा वाला काम ना रहे, एक बार में दोनों चीज़ बदल देना है। कंपनी ने इस मतलब यही चीज़ गलत दिया है न्यूलैंड में, सैमसंग इंजन में भी, मतलब मेन सीट लीकेज हो चैम्बर सीट भी बदलना पड़ेगा। फ्राई व्हील चढ़ाने जा रहे हैं, ये देखिए पूरी तरह से सफ़ा हो चुकी है, वायरिंग भी सही है। दोस्तों इसकी फ्राई व्हील चढ़ा दी गई है, अभी इसको बैठाने जा रहे हैं, इसलिए दो लोग हैं, इसलिए अब चढ़ाने वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों इसकी फ्राई व्हील चढ़ गई है, बोल्ट भी लग चुका है, अभी इसको कसने जा रहे हैं, ये देखिए पूरी तरह से बैठ गई है। तो दोस्तों इसका प्रेशर प्लेट पूरी तरह से टाइट हो चुकी है वो फ्राई व्हील, अब हम इसको प्रेशर प्लेट बांधने वाले हैं, इधर सब साफ होके धरा है। दोस्तों ये लॉक हो चुका है,
अब इसमें फ्लाईव्हील बांधने वाले। इसकी क्लच प्लेट दोस्तों बन चुकी है, अब इसको ज्वाइन किया जाएगा। ये देखिए अब इसको ज्वाइन किया जा रहा है दोस्तों, ये देखिए। टाली नहीं आ रही है, टाली खींचो, टाली खींचो, चलो चलो, और जग लगाओ, जग लगा के दोस्तों अब इसका क्लच आउट, हाँ उठाओ ना, उठाओ, चलो ज्वाइंट हो चुका है। ये वाला जगवा लगा रहे यार अनिल, चलो दोस्तों ये पूरी तरह से अब इसमें नट फंसाया जाएगा, पूरी तरह से ज्वाइंट हो चुका है। ये स्टीयरिंग भी लग चुकी है, इसका क्लच पूरी तरह से बन चुका है। भाई पिकअप देखो भाई, ये देखिए दोस्तों पिकअप आपको दिखाया जाएगा, ये देखिए खतरनाक पिकअप के साथ है ये गाड़ी, जोरदार हो गई है। ये वायर लटक रही है।